टू द क्लब। तो तुम्हारा भाई छुट्टियां मना के वापस आ गया है और मैंने कमेंट्स में देखा कि एक गाने के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी, वो है रिग्रेट बाय कलमिंग, जो कि है उनकी ईशा द लास्ट मिक्स टेप का। और मैं एक चीज देख रहा हूं कि आई थिंक ये मिक्स टेप जो है ये मास अपील के साथ कोलैब करके निकाली है इन्होंने, क्योंकि मास अपील के पेज शेयर कर रहे हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा, मेरे को देख के तो नहीं मिला, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन अगर कलमिंग की ये मिक्स टेप मास अपील के साथ निकले, देन यू वोंट बिलीव कि भाई मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि कलम की जो जर्नी रही है उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली हम लोगों ने फॉलो करा है। अफेक की जनता और कलमिंग की जो जनता है उनको पता है कि बहुत ही ज़्यादा रॉकी रोड रही है कलमिंग की। लोगों ने बहुत एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लोग कलमिंग को कह रहे थे ये है वो है क्रिंज है जो भी है, लिख नहीं पाता, बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे मीम, बहुत सारे ट्रोल के बाद फाइनली भाई की मिक्स टेप जो है मास अपील के साथ आई है। अगर आई है तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि करारा जवाब टू ऑल द हेटर्स एंड बहुत सारा प्यार मिलेगा फ्रॉम देयर फैन बेस, बिकॉज आर्टिस्ट की सक्सेस फैन की सक्सेस होती है। मजा आ गया देख के। लेकिन एक चीज देख के मजा जो नहीं आ रहा वो ये कि भाई ये ईपी तो आ गई लेकिन ईपी का एक ही गाना क्यों आया है, बाकी गाने का है? लाइक ऐसे भी ईपी आती है, ऐसे भी मिक्स टेप आते हैं क्या, एक एक करके गाना? ये कॉन्सेप्ट तो भाई मुझे नहीं पता। ठीक है चलो, जो भी है बाकी सारी बातें बाद में। मिक्स टेप गाने का नाम है रिग्रेट, सुनते हैं साथ में। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3-2-1 हियर वी गो। रिग्रेट, किस चीज का रिग्रेट है भाई को? चीजें चिराग म्यूजिक प्रोड्यूसर। एक चीज आपको बताऊं ना, ये इंट्रो म्यूजिक में जो गिटार बज रहा है ना, बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिया दे रहा है। मतलब ये 2000s के जो गाने होते थे रॉक बैंड के, पॉप बैंड के, उनमें गिटार्स का बहुत यूज होता था। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ दो सॉन्ग्स मैन। लेट्स सी। आई नो तुझे डर लगता है, मैं बातें करूंगा और फिर बदल जाऊंगा। आई नो तो टूटी है बहुत, मैं जोड़ूंगा फिर से और फिर से तोड़ जाऊंगा। मैं जितने भी वादे करूं, उसकी टांग में कुछ इशू है। ओके, टी है बहुत, मैं जोड़ूंगा फिर से और फिर से तोड़ जाऊंगा। मैं जितने भी वादे करूंगा, मैं सारे निभाऊंगा, सारे निभाऊंगा। इन आंखों को बहुत रुलाया है मैंने, कसम से अब नहीं रुलाऊंगा। ये बेसिकली पता है क्या, यहाँ पे ये जो विजुअल्स है ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? देखते हैं फिर से। मेरे हिसाब से ये सिग्निफाई कर रहे हैं दैट दे हैव बीन थ्रू अ लॉट। ठीक है, क्योंकि अभी की करंट रियलिटी ये चल रही है जहाँ पे ही इज हेल्पिंग हर, है ना। लेकिन इससे पहले देखो, क्योंकि उसने बोला मैंने तेरा दिल तोड़ा है ना, फिर तोड़ जाऊंगा। दिल तोड़ा है मींस दे हैव अ पास्ट, है ना, बहुत कुछ इनके बीच में हो चुका है। एंड आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे शॉट दिखाए थे। लेट्स सी। मैं सारे निभाऊंगा, सारे निभाऊंगा। हैप्पी फेस, फाइट फेस, इन आंखों को बहुत शॉपिंग चल रही है लेकिन तब भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। रुलाया है मैंने, कसम से अब नहीं रुलाऊंगा। इन आंखों को बहुत रुलाया मैंने, कसम से अब नहीं रुलाऊंगा। ठीक है, और अब देखो भाई जो है उसकी केयर कर रहा है। भवरे से दिल क्यों लगा बैठी है भवरा, जो कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, तू इतनी मासूम है कि मेरे ऐसे भवरे के साथ तू आना चाहती है। मैं अकेले कमरे में बंद, आंखें खुली, देखा तू बैठी है। इस पेन इज फॉर रियल, रिग्रेट भी ये रियल है। आई नो मैं धोखे दे जाता हूँ, पर इस बार सारा का सारा ये रियल है। okay. टेक्स मैंने बहुत भेजे बेबी तेरे नाम के, हाँ किया मैंने चीट विद नो रीजन, माफी आपसे तो दुनिया से अलग मुझे लगती, मैं फूज और मैं प्यारा आया पार्ट। यार यू नो व्हाट, लाइक मैं लिटरली बता रहा हूँ। देखो आई थिंक तुम 2000s में ही कभी पैदा हुए होगे, है ना, अगर तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो। करीब 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 24 चल रहा है ना, 2004 2014। इस टाइप के पॉप सॉन्ग्स आते थे, पॉप बट कमिंग फ्रॉम रॉक बैंड्स, है ना। तो ये वाला जो म्यूजिक चल रहा है, ये ड्रम्स एंड गिटार्स एंड देयर इज दिस इंटेंस इमोशन फ्लोइंग अमंग द लवर्स, है ना, लिरिक्स में। एंड पीछे आप देखो, अगर आपसे तो दुनिया से अलग मुझे लगती, मैं फूज और मैं प्यार आया पाठ, मुझे शर्म खुद के नाम से आने लगे, जब भी सोचूं अपनी आदतें। ये गिटार सोलो बज रहा है, इसी की मैं बात कर रहा था। एक बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक 2000s के जो गाने थे उनकी वाइब क्रिएट करी है यहाँ पे। अगर आपने वो गाने सुनोगे तो आप समझ पा रहे हो, वरना तो आप लेट नहीं कर पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोना फोकस ऑन द लिरिक्स नाउ। यहाँ दिया मैंने चीट विद नो रीजन,
वजन माफी आपसे तो दुनिया से अलग मुझे रखती महफूज और मैं प्यार आया बाट मुझे शर्म खुद के नाम से तो दुनिया से रखती महफूज मुझे और मैं प्यार आया बाट मतलब तुम्हारा लव कितना रियल और कितना क्लियर और कितना केयरिंग था बट आई वॉज अ वन हु वॉज नॉट फोकसिंग ऑन यू है ना तो बेसिकली दैट्स वाई द नेम ऑफ द सॉन्ग इज रिग्रेट बंदा रिग्रेट कर रहा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे साथ उतना मैं सीरियस क्यों नहीं था मैंने अपनी तरफ से 100 क्यों नहीं दिया तुम्हारे प्यार को आपसे तो दुनिया से अलग मुझे रखती महफूज और मैं प्यार आया पाठ मुझे शर्म खुद के नाम से आने लगे कि जब भी सोचूं अपनी आदतें इधर उधर मुंह मारूं वैसी भी क्या आफत है जिन दोस्तों के नाम से मैं लड़ रहा था आपसे वो खाल गए छोड़ आई मीन मेरा मतलब सांप अब टेक्स्ट करे सारे बोले भाई मुझे मिलना है वो खाल गए छोड़ ठीक है वो सारे सांप जो हर दोस्त जो हर कुछ टाइम बाद अपनी खाल छोड़ के निकल लेते हो मैन सो फकिंग रिलेटेबल मैन ओ फक से वो खाल गए छोड़ आई मीन मेरा मतलब सांप अब टेक्स्ट करे सारे बोले भाई मुझे मिलना है मेरा कजन फैन तेरा उनको तुझसे मिलना है पर मुझे लगा शायद उन्हें गलती एहसास है पर मेरी गलतफहमी मुझे ऐसो से नहीं मिलना है अब देते वो दिला से और मैं कहता भाई रहने दो लेके तुझे दुखे खुश फक भाई मतलब ये गाना इस मोड़ पे जाने वाला था मैंने नहीं सोचा था दैट यहां पे ये वाली फील बन रही है कि नाउ द गाय इज रियलाइजिंग कि मैं जिन दोस्तों के लिए अपनी बंदी के साथ गलत कर रहा था वो साले तो एक नंबर के हरामजादे थे और जब मेरा बुरा वक्त था तो उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं टिका था और अब सब चले गए और जब मैं सक्सेस अब मैंने पा लिया तो अब सब आते हैं मेरे पास क्योंकि अब मैं कुछ बन चुका हूं लेकिन जब मैं कुछ नहीं बना था है ना उस टाइम पे सब छोड़ गए लेकिन उस टाइम पे कौन था मेरे साथ आप थी और आप आज भी हैं ये मैं अपनी बंदी को चुम्मी देता हूं क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट सोच के मुझे खाली मेरी बंदी याद आ रही है जो मेरे साथ अब 14 साल से है मैंने बात कोई बोली नहीं ठीक है इट्स बीन 14 इयर्स ऑफ आवर रिलेशनशिप ओह फक आई डोंट नो एंड ये बोलना था नहीं बोलना था बट ठीक है बोल दिया 14 साल का रिलेशनशिप है और 14 साल के रिलेशनशिप में वो सारे दोस्त गायब हो गए जो मेरे 14 जो थे यार अब लाइक नाउ शी इज द ओनली फ्रेंड आई हैव ठीक है लाइफ में मकाम आता है जब वो बैड बॉयज को रियलाइज होता है दैट देयर इज नो फन बीइंग अ बैड बॉय ठीक है बिकॉज ओ मैन दिस इज बहुत बढ़िया भाई यार ये कॉन्सेप्ट के ऊपर गाना लिखा ओ मैन मुझे ऐसो से नहीं मिलना अब दे दे वो दिला से और मैं कहता भाई रहने दो लेके तुझे दुखे कुछ शर्म नहीं थी मेरे को मैं चल रहा था बदले में आके कुछ दोस्तों के तूने ही समझाया बोला बेबी छोड़ो रहने दो एग्जैक्टली सैनिटी भरती है अगर ढंग की बंदी मिल जाए तुम्हें जिंदगी में ठीक है वो सैनिटी भरती है दिमाग में किस्मत वालों को मिलती है सबको तो नहीं मिलती है भाई लेकिन कुछ तो अच्छे हमारे कर्म थे कि हमको ऐसी बंदी मिली जिसने हमारे दिमाग को संभाला है ना हमारे पागलपन को कंट्रोल करा ठीक है होगा यहाँ अपने भी अपने नहीं होते तू तो पराई और फिर भी संभाला है exactly. हम टूटे हुए ख्वाब सजाते थे तूने तो टूटा इंसान सजाया है टूटे हुए ख्वाब सजा तूने टूटा हुआ ओ मैन यार भाई यार ये बहुत रिलेटेबल गाना है ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल गाना है मतलब मेरी जो लाइफ रही है एक एक लाइन से रिलेट कर रहा हूँ मैं इस गाने के एक एक लाइन से है हम टूटे हुए ख्वाब सजाते थे तूने तो टूटा इंसान सजाया है तू काफी हसीन सी चीज है खोके तू लोगों को दुआ दे जाती है वरना ये दुनिया हराम या कोई भी चीज दिल से उतर जाती है तेरे दर्द करे ब्लीड अप हमें बदला इंसान सारे मैसेज छोड़ू सीन पर सिर्फ मतलब पे कॉल करे भाई तू मुश्किल हालातों में कहां था तू स्पीक अप इनकी बातें मुझे इरिटेट करे दे डोंट मेक सेंस लेकिन इफ यू लुक एट दिस शॉट हमें बदला इंसान सारे मैसेज छोड़ू सीन पर सिर्फ मतलब पे कॉल करे ये ठीक है यहाँ पे बंदी इज हगिंग हिम और वो आंखों में आंखें डाल के देख रहा है कैमरा के वो कैमरा की आंखों में डाल के नहीं देख रहा है आंखें वो अपने दोस्त की आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है वो पुराने दोस्त ठीक है और उनको ये दिख रहा है कि ये है मेरे साथ ये है मेरी रियलिटी तू नहीं है मेरी रियलिटी ब्रो तू चला गया था ये तब थी ये आज है और हम जैसे भी हैं बहुत खुश हैं डैम भाई मजा आ गया यार क्या कॉन्सेप्ट पे गाना बनाया यार शाउट आउट टू द कॉन्सेप्ट मैन शाउट आउट टू कलम विंग फॉर दिस मैन दिस इज जस्ट टू रियल दिस इज जस्ट यही चीज कलम विंग को जो है ना लड़कों से लेट करवाती है कलम ने जो भी बातें लिखी ना आज तक तुम उसकी जर्नी में देखो चाहे वो पहले वाले गाने हो जिसमें वो बंदी से खफा था चाहे वो आज वाले गाने हो जिसमें वो यही बोल रहा है कि बंदी नहीं मुझे लाइफ में सेटल करा मजा आ गया यार हमें बदला इंसान सारे मैसेज छोड़ू सीन पर सिर्फ मतलब पे कॉल करे भाई तू मुश्किल हालातों में कहां था तू स्पीक अप
की बातें मुझे इरिटेट करे, दे डोंट मेक सेंस, औरतों से ज्यादा ये हैं बेच साले। जब भी सोचूं कि मैं लिख नहीं पाऊंगा तो जख्म तेरे दर्द देके बोले मुझे लिखता रहे, मुझे लिखता रहे, मुझे फर्क नहीं अब कौन मुझे क्या सोचे। क्या एनर्जी है यार, क्या वाइब है ब्रो। लाइक यू नो व्हाट, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई बहुत नया टाइप का म्यूजिक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, नहीं मैं नहीं बोल सकता ब्रो, मैंने ऐसा म्यूजिक बहुत सुना है, लेकिन इन्होंने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, इट साउंड्स सो फकिंग अमेजिंग भाई, है ना। द पैशन, आप पूरे गाने वो पैशन महसूस कर रहे हो जो कलम डिलीवर कर रहा है। और हर लड़का चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, जब आँख खुलती है ना, वो ये सब जो हो रहा है एक एक चीज से रिलेट करेगा, एक एक विजुअल से रिलेट करेगा। Oh man, I love this song. मुझे फर्क नहीं अब कौन मुझे क्या सोचे, दिया इंसान है ये साले इनकी क्या ही सोचे। This is a letter to you जिनमें मेरे regret है, नशे का शौकीन हूँ मैं, जेब में बस regret है। One back down, तेरी यादें मेरे सर चढ़े, सीढ़ी था मैं मतलब कि जिस पे जानी सब चढ़े। तीन चार दिन तो मैं कमरे में बंद था, वो भी बदल गया जिसे बदलने का डर था मेरे। अब हम क्या ही करे, तुझे दिए हुए धोखों का हिसाब मैंने लिख दिया है, अब वो खुदा इंतजार न करे, हम बेकार रह गए, तुम तब भाग कर गए। वैसी हवाओं को हम फिर से रुलाएंगे, तुम जुल्म करो जाना, हम हंस कर सजाएंगे। मुझे छोड़ के भरोसा रखे सब पर, तू सबर करो जाना, वो सब फायदा उठाएंगे। It shows that how much he is taking care of his lady. ठीक है, ये दिखा रहा है और ये सिखा रहा है बेसिकली यहाँ पर। जेंटलमैन बनो ब्रो, जेंटलमैन बनो। अगर तुम्हें एक लेडी मिले तो जेंटलमैन बनो, सबके लिए ना बनो, ठीक है। जो जो डिजर्व करता है उसको वो दो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की है ना, हु इज, इफ यू वॉन्ट हर टू बी अ प्रिंसेस, इफ यू वॉन्ट हर टू ट्रीट यू लाइक अ प्रिंस, यू हैव टू ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, ये बात समझिए, ठीक है। पहले उसको वो दर्जा दीजिए, तब वो आपको देगी। ये वन साइडेड जो तुम्हें चाहिए ना, प्यार और इज्जत, चूती हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बस क्योंकि तुम एक लड़के हो तो तुम डिजर्व करते हो सारी दुनिया के रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर कुछ नहीं डिजर्व करता है ना, लोग इंसान डिजर्व करते हैं। वो इंसान बनिए कि आपको आपका सामने वाला यहाँ पे ताज बना के रखे, ताज बनने लायक हरकतें करिए तो आपको ताज बनाया जाएगा, वरना विल गेट व्हाट यू डिजर्व। By the way, एक चीज बोलूंगा, बार बार नजर जा रही है, जो दोनों शर्टें कलम इंक ने पहनी है ना, ये मैंने खरीद लिया। मैं ब्रांड नहीं बताऊंगा, ब्रांड जब वो शॉपिंग करके आया था तो बैग पे लिखा हुआ था ना, मैंने वो खरीद लिया है। मैंने ये बोल के गलती कर दी, अब सारे लौटने खरीद लेंगे। चीज को सहारे होते हैं, लाखों से जीतने वाले एक से हारे होते हैं। जब शायर रोए पन्नों में कलम के सहारे, वो गीत नहीं होते वो पैगाम होते हैं। जो मौत तक के साथ हम वो वाली नस्ल है, बस करो जाना, मेरे घर के भी मसले हैं। तेरे चले जाना दूर इतना आसान नहीं था, सामने से गया वो मैं बिल्कुल हैरान नहीं था। मेरे बारे करे आर्टिकल या शिट टॉक, फ्लो सो स्मूथ जैसे बीट टू मून वॉक, जो खोने में वो बिल्कुल नहीं पाने में। कभी कभी लगे साली जिंदगी मजाक, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में। दिस इज लाइफ, आधी उम्र पास आए आधी लगी दूर जाने में, आधी लगी दूर जाने में। प्यारा गाना भाई, प्यारा गाना भाई, दिस इज लाइक जस्ट सो फकिंग रियल भाई। द लास्ट मिक्सटेप गुड, नाउ ही इज एट पीस विद हिज गर्ल एट हिज होम इन हिज बेड। ये है जीवन की शांति, कोई नशा नहीं, कोई हरामजादे दोस्त नहीं, कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं, बस मैं और मेरी बंदी और हमारा प्यारा सा लाइफ। आई जस्ट लव दिस वन मैन, आई जस्ट लव इट मैन, आई जस्ट लव द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो। इज जस्ट सो सिंपल, इज सो सिंपल, बट द कॉन्सेप्ट है ना, जो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। जो दिखाया है वीडियो वो बहुत सिंपल था, सॉरी है ना, जो 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 वीडियो दिखाया था वो बहुत सिंपल था, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट सोचा है ना, बहुत यूनिक था। और ये मर्दों वाला गाना है, ये लड़कियों, ये सॉरी, ये लड़कों वाला गाना नहीं है, ये उन लड़कों का गाना है जो फ्रॉम बॉयज टू मेन हो गए हैं अब, ठीक है। एंड एंड व्हेन दे रियलाइज की रियलिटी है एंड क्या होता है असलियत, आप जिनके साथ नशे करने डेली बर्बाद पड़े हुए हैं, आप उनकी जिंदगी में एक नशेड़ी पार्टनर से ज्यादा कुछ नहीं है। लौंडो की बात कर रहा हूं, क्या गया यार, मजा आ गया। इज सो ब्यूटिफुल मैन, आई रिलेट टू दिस सॉन्ग अ लॉट। मैं इस गाने बहुत रिलेट करता हूँ और मेरे हिसाब से हर वो लड़का रिलेट करेगा जो कभी बहुत बुरे कर्म कांड करके फाइनली अपनी लेडी के लिए है ना बहुत ज्यादा सीरियस है एंड डेडिकेटिंग हिज लाइफ टू मेक
देयर लाइफ लिव इन अबंडेंस. ठीक है, गाना आप लोग कैसा लगा मुझे पता है, अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अच्छा नहीं लगता तो आप देखते रहिए, जैसा भी लगा कमेंट्स में बता दो. इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो कर लो ब्रो, लाइक आई डोंट नो व्हाई द फक यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग मी. एंड ये बोलना बड़ा रूड है, व्हाई द फक यू गाइस आर नॉट फॉलोइंग मी, मैं दोस्त की तरह बोल रहा हूँ ब्रो. देखो यार, मेरा फंडा क्लियर है भाई, मुझे एक म्यूजिक की कम्युनिटी बनानी है. ठीक है, तुम अगर मेरा ये चैनल का डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लो ना, वहाँ पे लिखा है ट्राइंग टू बिल्ड अ म्यूजिक कम्युनिटी. कुछ कुछ तो मैंने लिखा है हिप हॉप कम्युनिटी, कुछ तो मैंने लिखा, बट मेरा आइडिया हमेशा से ये नहीं था कि एक फेक होगा इन्फ्लुएंसर जो ये करे वो. नहीं भाई, मेरे को कम्युनिटी बनानी है, क्योंकि मेरे पास वो दोस्त नहीं है जो बातें करते हैं मेरे से म्यूजिक की, मेरे को वो दोस्त बनाने हैं. ठीक है, आज मैं बहुत आप लोग के वजह से लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसे दोस्त हैं. एक बार इंस्टाग्राम पे आइए, अगर वहां पे आपको मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा. आई एम रियली ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी वेरी बिग इन म्यूजिक, नॉट जस्ट मी, एज अ कम्युनिटी, एज अ कल्चर. मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा करने की. साथ दो है ना, देखते हैं कि हमारी जर्नी किस डायरेक्शन में जाती है. ठीक है, तुम्हें सब पता है, सब बोल दिया मैंने. ठीक है, अपनी बंदी की रिस्पेक्ट करो, शी डिजर्व्स अ लॉट है ना. इफ शी डिजर्व्स अ लॉट देन गिव हर व्हाटएवर शी डिजर्व, देन शी विल गिव यू जो तुमने कभी सोचा नहीं है, है ना. सेक्स सेक्स बहुत छोटी बात है भाई, बहुत छोटी बात है, क्या ही बोलूंगा. उनमें इतनी चीजें आ रही है ना, इमोशंस आदान प्रदान जो होता है ना भाई, जब कोई आपकी अनकंडीशनल केयर करता है, जिस दिन आपको वो अनुभव हो गया ना, सब छोड़ दोगे, हरकतें सब छोड़ दोगे. ठीक है, मैंने बहुत बोल दिया, बाय, पीस.